हाय एवरीवन, ये वाला जो एपिसोड है यार, ये बीच में रह गया था तो अब हम इसको अपलोड कर रहे हैं। जुलाई 7 की कहानी आज देख लो। इसमें हमने 51 घंटे की ड्राइव करी है, पूरी की पूरी कैलगरी से लेकर लंदन तक। और अभी जो अपडेट है, इस समय हम लंदन में ही बैठे हैं, लंदन से अब यहाँ से आगे जाएंगे, बट ये पुरानी कहानी है, इसको एंजॉय करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नया दिन और एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है सुबह सुबह उठते ही। यार सुबह उठा और एक कुरबुराहट वाली फीलिंग से उठे हैं यार, कि ज़्यादा ही हमने कभी रश रश वर्ड कभी यूज़ नहीं करा, लेकिन आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा रश करना पड़ेगा। जैसे अपन ने 32 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव करी थी ना, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। 15 तारीख को गाड़ी देनी है हमें हैलीफैक्स, और वहाँ से हम 5,500 किलोमीटर दूर बैठे हैं। अब यार सिर्फ टेंशन इस बात की हो रही है कि टाइम से पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो अब शायद एक दो दिन हमसे आपको बेयर करना पड़ेगा, हम खींच के लेंगे मीटर और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी यार भाई जा रहे हैं, हम भाई हमारे साथ चल रहे हैं। अब खाना वाना खाएंगे अपन और ब्रेकफास्ट करके आगे निकलेंगे, तेल तूल भराते हैं यहाँ से। बढ़िया होटल था यार, अच्छा है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से खाना वाना खाते हैं, निकलते हैं। जुलाई 7 हो गई है और जुलाई 15 को यार हैलीफैक्स में अपन को गाड़ी देनी है, क्योंकि ये गाड़ी जाएगी शिप पे। जुलाई 15 की शाम तक हमारा मैक्सिमम हमारे पास टाइम है। 16 को भाई ये गाड़ी शिप पे चढ़ी जाएगी, एंड उससे पहले हमारे को 2-3 काम गाड़ी में कराने हैं। सबसे पहली चीज़ है भाई सर्विस। ब्रेक्स में हल्की सी आवाज़ आने लगी है, स्क्वीकिंग सी नॉइज़ है। उसके बाद गाड़ी के टायर रोटेट होंगे, पीछे वाले आगे, आगे वाले पीछे, क्योंकि कुल मिला के 7,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अभी तक। तो ऑलमोस्ट मतलब यहाँ से लेकर और 5,000 से 12,000 किलोमीटर तो हम कनाडा में ही ड्राइव कर चुके हैं। तो जो गाड़ी के साथ में जो 27,000 किलोमीटर लिखा है, वो थोड़ा सा भाई जेपर्डी में आ गया है। 27,000 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही ये ट्रिप होने वाली है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको भी थोड़ा सा अपडेट करें। गाड़ी की भाई ये अभी हालत है, गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, एंड इसके बाद अपन यहाँ से निकलेंगे। तो मैं ही चलाऊंगा अभी तो गाड़ी, यहाँ से खींचेंगे सीधा। अभी हम कैलगरी से 1 घंटा ऊपर हैं, ओल्ड्स करके एक टाउन है, तो हम वहाँ पर अभी खड़े हैं। यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे रजाइना। रजाइना पहुँचने के बाद वहाँ से डिसाइड करेंगे, मेरा जो टारगेट है यहाँ से ऑल द वे टू विनिपेग जाने का है। विनिपेग पहुँचते हैं, विनिपेग पहुँचने के बाद देखते हैं, 13-13.5 घंटे की ड्राइव हमारे को पड़ेगी, 1,300 किलोमीटर के करीब। तो बीच में एक दो जगह रुकेंगे, तो ऑलमोस्ट आई थिंक विनिपेग आज अपन लगा देंगे। तो भाई 1,332 किलोमीटर की पूरी ड्राइव हमारी रह गई है। ब्रेकफास्ट अभी हमने करा है, मोटेल 8 यहाँ रुके थे हमने, एंड बिलीव इट और नॉट भाई $20 पर नाइट का हमारे को यहाँ पे रूम मिला था, जिसमें 2 क्वीन बेड लगे हुए थे। पता नहीं कैसे क्या डील वरुण ने क्रैक करी, बट हाँ वो हमारे को मिल गया। यहाँ से निकलेंगे अब अपन, सीधा पहुँचेंगे। 11 बजे की एस्टिमेशन है रात को पहुँचने की, तो आई एम होपिंग कि हम विनिपेग भी क्रॉस कर देंगे। सो फाइनली गाड़ी खींचने लग गए हैं यार, यहाँ से जाएंगे 13 घंटे की ड्राइव। और आपको पता है हम तो हैवी ड्राइवर हैं ही, और यहाँ पर ओरिजिनल पायलट और को पायलट का डुओ बैठा हुआ है। हम लोग हो रहे हैं आज से पहले मनाली, लद्दाख, कहाँ कहाँ से लगातार गाड़ियाँ नहीं खींची हैं दोस्तों। तो ठीक है, एक नया चैलेंज लेके चलते हैं। और कुछ लो पोक्स हैं हमारे पास साथ बैठे हुए हैं ऐसे, इनको भी हम नमस्कार सत्कार देंगे, ये अपना काम करेंगे और हम चलेंगे आगे, गाड़ी चलाएंगे धाक धाएँ, लेट्स गो। देख लो भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है कि डियर्स बिल्कुल लिटरली रोड के ऊपर से जाते हैं। एंड ये जो आगे जो रेड लाइट आ रही है, यहाँ से राइट लेते ही ड्रम हेलर के लिए हम निकल गए थे। कल हम यहीं पर ही गए थे, जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो। ड्रम हेलर वो सबसे एंशियंट साइट, वन ऑफ द एंशियंट साइट्स है यहाँ पे, डायनासोर्स के अवशेष मिले थे वहाँ पर। एंड यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे। कुल मिला के अपने पास 11 घंटे की और ड्राइव रहेगी, 1,200 किलोमीटर की ड्राइव है। गाड़ी में तेल डलवाएंगे बीच में एक जगह रुक के। ये देख लो भाई, बड़े बड़े वादे करने वाले कि सुबह उठ के मैं गाड़ी चलाऊंगा और ये और वो और ऐसे कर दूंगा ये ऐसे सो रहे हैं भाई। अभी मेरे हिसाब से हमें घंटा भी नहीं हुआ निकले हुए मेरे हिसाब से रास्ते पर। कर भाई कर, ढंग से साफ कर, कभी कभार ही करता है ये साफ, इसको साफ करने देने चाहिए। और भाई यहाँ पर अपना मैप है, इस समय हमें यहाँ कैलगरी के पास और हमारे को पूरा यहाँ तक जाना है। तो अगर कनाडा की अगर मैं बात करूँ, तो कनाडा के अंदर कुल मिला के 4 से 5 अपने टाइम जोन है। तो जब हम टोरंटो से निकले, टोरंटो से कंपेरेटिव अगर मैं देखूँ, वैंकूवर 3 घंटे पीछे पड़ता है। तो 3 घंटे हम इधर आ चुके हैं, और इसके बाद जब हमारे को हैलीफैक्स जाना है, तो हम टोरंटो से ही 1 घंटा आगे हो जाएंगे। मतलब अगर 5 अगर टोरंटो में बदले होंगे, हैलीफैक्स में बदले होंगे 6, और अगर टोरंटो में बदले हैं 5, तो अपने वैंकूवर साइड 3 घंटे पीछे बदले होंगे 2। तो इतना फ़र्क है, पूरे के पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम जोन है। यहाँ पे कनाडा में इतना बड़ा होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइम जोन हैं।
तो ये है, बाकी भाई ने कर दिया भाई शीशा साफ, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग यही मतलब रिएक्शन ही लोगों के काफ़ी अमेजिंग है रिगार्डिंग द रैप एंड एवरीथिंग। और भाई को आई बिलीव इसको शीशा साफ करना आता नहीं, वही वाली बात है ना, जब घर से निकलोगे तभी तो शीशा साफ कर पाओगे ढंग से। अब इसको अगर मैं ये सब चीज़ बोलूँगा फिर मेरे से लड़ने लग जाएगा, पर है थोड़ा सी दिक्कत है, वाइपर ही मार देता हूँ, इसके बस की नहीं है कुछ। तो तेल भाई भर चुका है, $100 एग्जैक्ट का तेल आया है इस समय, और गाड़ी हो गई अपनी फुल। टोटल गाड़ी की जो रेंज है वो इस समय है भाई 629 किलोमीटर्स की, 10 लीटर पर 100 किलोमीटर की रेंज दे रही है गाड़ी। पेट्रोल डलता है इसके अंदर भाई, गैस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी आदत हो गई है, सर्विस अब 2900 किलोमीटर के बाद हमारे को सर्विस करानी ही पड़ेगी, तो हमारे को कहीं ना कहीं बीच में रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ कैलगरी में हम हैं इस समय, कैलगरी से ऑल द वे टू नोवा स्कोशिया का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 4,500 या 5,000 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है। तो हम उसको कंसिडर करते हुए कहीं या तो फिर शायद विनिपेग या फिर ऑटवा में गाड़ी की सर्विस करा लेंगे। यार बात तो सच है, ज़रा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम हल्का सा मेरी झपकी क्या लगी है, थोड़ा सा भाई साहब इधर उधर निकल गए, इनको गाइड करने के लिए मैप पे दोबारा लगाया है, तो पिछले 3-4 किलोमीटर से ऐसे ही कच्चे पक्के से रास्ते पे आ रहे हैं, फाइनली दूर से एक हाईवे दिखने लगा है, तो उम्मीद जगी है कि भाई वापस ट्रैक पे चढ़ेंगे, और चलो चलते हैं यार, अब से ध्यान रखेंगे, सोएंगे नहीं। यार मिडल ऑफ नोवेयर में है कहीं पे, बिल्कुल ही रास्ता आगे से बंद कर रखा है और दूर दूर तक ऐसी कच्चे पक्के से रास्ते हैं। तो यार वैसे तो मेरे को लगता है कि मुझे नेविगेशन बहुत अच्छी आती है, लेकिन हमारे पास दो समझदार व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं। चल भाई आगे चलें, यहाँ तो कुछ मज़ा ना आया, रास्ता और ख़राब है। गाड़ी चलाते हुए हो गए 6 घंटे और पेट में लगी भाई बहुत ज़बरदस्त वाली भूख, पराठे खाने का विचार बना। तो यार हम यहाँ पर हैं अभी स्विफ्ट करंट में, ये अपना सस्कैचवान में है, लिटरली बता रहा हूँ जो अभी पूरा का पूरा रास्ता अभी हमने कवर करा है 6 घंटे के अंदर, इतना बोरिंग रास्ता भाई, लेफ्ट में कोई इंसान नहीं, राइट में कोई इंसान नहीं। आप एक चीज़ बताओ कि मैंने कम से कम भी 500-550 किलोमीटर चलाए होंगे और मेरे को कुल मिला के सिर्फ 5 लोग दिखे हैं जो कि गाँव में इधर उधर ना, इतना बोरिंग रास्ता रहा भाई, नींद आती रही। बट फिर अपन ने गाने लगाए बढ़िया वाले अपने सूदिंग से गाने, और पहुंच गए इस समय स्विफ्ट करंट के अंदर, ये सस्कैचवान के अंदर है। एंटर करते ही अब यहाँ से अपन जाएंगे भाई खाना खाने के लिए, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद निकलेंगे। अभी कुल अभी 4 बज रहे हैं और यहाँ से हमारा सफ़र 850 किलोमीटर का और बचा हुआ है जो हमने आज में कवर करना है। तो विनिपेग जाने का हमारा विचार है आज, एंड विनिपेग पहुँचेंगे, विनिपेग पहुँचने के बाद फिर सोचेंगे कि आगे ड्राइव करें या विनिपेग रुकें। तो अभी तक का जो सफ़र है भाई वो यहीं तक का है, रोड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है तो मैं आपको उन सब चीज़ों में नहीं घुसाऊंगा कि यहाँ पे ये है यहाँ पे वो है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसे ही रोड है जैसे आपको अभी दिख रहे हैं कि भाई दूर दूर तक बस खेत ही खेत है। शीशा भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर खेतों के पास जो कंट्री साइड वाले रोड है वहाँ पर बहुत ही सारे कीड़े थे। अगर मैं बाहर से दिखाऊँ आपको गाड़ी तो यू विल बी अमेज्ड कि गाड़ी का क्या हाल हो रखा है। ये देख लो भाई पूरी गंदी हो रखी है, साइडों से सुबह साफ करी थी, ये देखो अब समझ में आया, शीशा तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर बचा हुआ है, बट ये सामने देख रहे हैं ये सारे के सारे कीड़े हैं जो वहाँ पे कंट्री रोड के पास हमारे को मिले हैं। तो इनको साफ़ करने का मेरे को तो पता नहीं भाई कैसे साफ़ करूँगा, बट हाँ 2-3 वॉश लगेंगे, इनको हाथ से साफ़ करना पड़ेगा। पीछे ये चल रहा है भाई स्टारलिंक, वो रहा हमारा ऊपर, स्टारलिंक चेक कर लिया था निकलने से पहले, मतलब आई मस्ट से कि ये जो सक्शन पम्प है ना इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी रही है भाई, इन्होंने बहुत साथ दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि भाई डर लग रहा हो या कि ये निकलने वाला है, साइकिल भी हमारी स्टेबल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कर ली है, अब यहाँ से 8 घंटे की और ड्राइव करेंगे, पहले खाना खाते हैं 1.5 घंटा यहाँ निकालते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ से आगे मैनिटोबा की तरफ। वाह भाई ये सब कुछ खाना था भाई, रोटी वगैरह, आलू नान, पराठे, लच्छा पराठा, अनियन चिली पराठा और आलू, आलू पराठा नहीं है यहाँ पर, कहाँ है आलू? ओके तवा आलू पराठा, तो तवा आलू पराठा भाई टोटल अपना पड़ रहा है अपन को $6 के ये हैं।
तो अनियन कुलचा पराठा और तवा आलू पराठा ऐसा कुछ ले लेंगे साथ ही साथ, ये इनका मेन्यू है यहाँ पर पूरा का पूरा। तो यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो, रसमलाई के दो पीसेस भी भाई $5 के पड़ जाते हैं। अब मल्टीप्लाई आप अपने आप कर लेना, मसाला चाय पियेंगे एंड में और मज़ा सा तो आ जाएगा। तो भाई साहब फाइनली आ गए हैं हमारे पराठे, एंड चेक करो अचार, बटर, दही और साथ में पराठे। वाह वाह मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब वाह, देखने में इतने मस्त लग रहे हैं, खाने में तो कैसे कैसे। मत खा फिर। चलो भाई ये लोग तो दे रहे हैं बिल, अपन यहाँ से बाहर निकलते हैं। चाय ले ली थी भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब पराठे बहुत बढ़िया थे, घर की याद आ गई। सुखदेव उखदेव ठीक है, वो इंडिया में बढ़िया, बट भाई कैनेडा में सही पराठे मिल गए, और सस्कैचुअन में जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ खेती खेत है। अभी जो अंदर जो लेडी हैं वो इंडियन ही है, वो कह रही है यहाँ पे ऐसे ऐसे गांव भी हैं जहाँ पे सिर्फ 28 लोगों की पॉपुलेशन है, 29 लोगों की पॉपुलेशन, 50 लोगों की पॉपुलेशन है। तो कैनेडा बड़ा बहुत है बट खाली भी बहुत है भाई, और इसी वजह से भाई अपन बोर भी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब ये जो ड्राइव है हमारी जो यहाँ से लेके विनीपेग की है, जो अभी 800 किलोमीटर और बचे हैं, उसमें कुल मिला के 2 या 3 शहर आएंगे। बताओ 800 किलोमीटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 शहर, ऐसे तो कैसे चलेगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया की सारी पॉपुलेशन को भाई यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, कैनेडा हम बसा लेंगे और कैनेडा वालों को इंडिया शिफ्ट हो जाना चाहिए। तुम अपना देख लो कि तुम्हारी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है। बताओ अगर आप लोग भी ये चाहते हो तो कमेंट करो, फिर मैं बात करूँ प्रधानमंत्रियों से। चलो भाई निकले यहाँ से 800 किलोमीटर के बाद, अब बीच में एक जगह और रुकेंगे भाई जहाँ से तेल डलवाएंगे, उसके बाद सीधा विनीपेग जाके ही ब्रेक लगेगी अब गाड़ी की। एक स्टॉप बीच में लेंगे उसके बाद विनीपेग। ये दोनों ने कई बार मेरे को बीच में रोक दिया, मेरे फ्लो तोड़ देते हैं हर बार जब भी गाड़ी चलाता हूँ मैं। तो भाई अब नहीं रोकूंगा, जिसने जहाँ जाना है अगले वॉलमार्ट नहीं जाएंगे अब अपन, वॉलमार्ट जाएंगे। तो अपन यहाँ से निकल ही रहे हैं भाई। चलो भाई शीशा हो गया साफ, अब देखते हैं कितने और टाइम तक शीशा रहता है साफ, क्योंकि हालत कुछ ऐसी है यहाँ पर। जितना भी क्या बोलते हैं कंट्री साइड का जो भी रास्ता है ना, जैसे यहाँ पे खेत ज़्यादा है तो खेतों में भाई कीड़े ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही होंगे। तो ये अभी हालत चल रही है हमारी गाड़ी की, और सारे के सारे रेडिएटर तक अंदर तक घुस गए हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो भाई कीड़े वीड़े साफ करेंगे जहाँ पर भी अब रुकेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद गाड़ी साफ करके फिर आगे बढ़ेंगे। तेल भरवाया था भाई दोबारा से, तेल का तो पीपा ही हो रखी है ये, $80 का फिर दोबारा तेल भरवाया, 43 लीटर्स के करीब आया है। रजाइना पहुंचने में हमारे को और 10-1 मिनट लगेंगे। चलो भाई साहब आप निकलो। तो कॉफ़ी वॉफ़ी तो ले ली हम लोगों ने, अब यहाँ से निकलेंगे अपना विनीपेग की तरफ। विनीपेग 2 घंटे दूर है, और यहाँ पे फुल चाय पराठा चल रहा है, बल्कि कॉफ़ी पराठा चल रहा है, क्योंकि जो पैक करा के लाए थे वो बच गए थे वहाँ पे पराठे। बहुत ही तो बढ़िया पराठे थे, इतने ज़्यादा बढ़िया थे कि ज़्यादा मंगा लिए ज़्यादा खा लिए। अब यहाँ से चलेंगे यार अपना विनीपेग की तरफ। विनीपेग जाके रुकने का मन तो है नहीं, वही पिछली बार की तरह थंडर बे ही जाएंगे, विचार तो यही है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो भाई मैं सो के उठ चुका हूँ, तो अब चलाऊंगा मैं गाड़ी, वरुण को थोड़े दिन आराम देंगे, वरुण काफ़ी टाइम से उठा हुआ है भाई। ये कॉफ़ीज़ होती है जिन लोगों को नहीं पता, जैसे ट्रकर्स की लाइफ में दो ही चीज़ें हैं, एक तो रोड दूसरी है कॉफ़ी। अगर टिम हॉर्टन्स मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो ये वाली कॉफ़ी होती है जिनको हमारे को खुद बनाना पड़ता है। 4 तरीके की हैं यहाँ पर। डार्क ब्लेंड हमने लिया है क्योंकि भाई मेरे को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पसंद है। फिर यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको चीनी और ये कॉफ़ी मेट ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ से कॉफ़ी बनाते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। हम हैं इस समय विनीपेग में, और अपना दिन हो गया है July 8। तो अब आपसे मिलते हैं रोड पर आगे चल के।
तो भाई जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्टारलिंक में थोड़ी सी आ रही है दिक्कत, तो अभी यहाँ पर हमारे को थोड़ा कुछ जुगाड़ वगैरह मिला है, ये सीधा बैटरी पे लग जाएगा एंड बैटरी से फिर हमारे को स्टारलिंक का वो मिल जाएगा कनेक्शन, क्योंकि अंदर के जो प्लग्स हैं ना वो इतनी पावर ले नहीं पा रहे हैं। तो होपफुली ये काम करेगा। अभी तो जैसे कि डिग्गी में सारा का सारा सामान रखा हुआ है तो इसको अभी नहीं डालेंगे, बाकी जो अपना सनराइज़ है वो देखो एक बार यार, वही वाली बात है, अपन तो सनराइज़ ढूंढने वाले लोग हैं। वाह, और इन्हीं के साथ साथ जरा इसको भी देख लो। तो ये भाई अभी तक साफ हुई नहीं है, इसको बेचारी को भी साफ करना है, कहीं ना कहीं रुक के जहाँ पे भी अगला मेरे को मौका मिलेगा इसके ऊपर ज़रूर मैं कपड़ा मारूंगा एंड उसके बाद फिर अपन यहाँ से अब निकलना शुरू करते हैं। अब आज का जो विचार है भाई, पहले बना कि रजाइना रुकेंगे, फिर बना कि भाई यहाँ से अब सीधा हम जाएंगे विनीपेग रुकेंगे जहाँ पे अभी हम करंटली हैं, बट मन इतना फ्रेश हो रखा है कि अब अपन सीधा यहाँ से जा रहे हैं लंदन। तो लंदन हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सामान हमारी गाड़ी में ऑलरेडी बहुत सारा है, स्टारलिंग वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें उतरेंगी गाड़ी से और फिर गाड़ी शिप होएगी सीधा हैलीफैक्स। तो पहले लंदन चलेंगे, लंदन के बाद फिर सीधा हैलीफैक्स। लंदन से हैलीफैक्स ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर है, तो यहाँ से चलते हैं लंदन, घर पर जल्दी से सामान उतारते हैं, एक रात घर पर सोते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं सीधा हैलीफैक्स। यहाँ से लंदन हमारे को पूरी की पूरी 24 घंटे की ड्राइव पड़ेगी। सो सी यू गाइज ऑन द रोड। चले भाई, वरुण अब सोने जाएगा भाई, लाओ कॉफी दे दो मेरे को फिर। भाई सुबह के बज गए 10:30, गाड़ी चलाते हुए मेरे को हो गए 4 घंटे एंड अभी भी भाई 21 घंटे की और ड्राइव बच रही है लंदन जाने के लिए, जहाँ से हमारी गाड़ी की सर्विस होएगी, बाकी सारी चीज़ें होएंगी गाड़ी की। ये देखो 21 घंटे 1800-1900 किलोमीटर के करीब अपना बचा हुआ है। अभी हम यहाँ विनीपेग के पास है, थंडर बे पहुँचेंगे, थंडर बे से फिर सीधा टोरंटो जाना है। टोरंटो के 1.5 घंटे आगे जाके हमारा जो घर है वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ गाड़ी की सर्विस होएगी, सारी चीज़ें होंगी। गाड़ी की सर्विस होने के बाद फिर वहाँ से निकलेंगे दोबारा हैलीफैक्स के लिए एंड अभी मैं जाऊँगा पीछे, भाई मेरे को थोड़ी सी झपकी सी लग रही है, तो राहुल भाई गाड़ी चलाएंगे, वरुण फिर दोबारा को पायलट बनेगा, वरुण जस्ट अभी उठा है। तो अब इसके बाद अभी अपन खड़े हैं 7-Eleven के पंप पे। अगर आपको गाड़ी वैसे देखनी है तो भाई 8990 किलोमीटर के करीब हमने गाड़ी ऑलरेडी चला दी है एंड 90,000 किलोमीटर टोटल ओवरऑल गाड़ी चल चुकी है। लो भाई ये भी आ गया, अब एट लास्ट अपन मेरा टाइम हो गया भाई पीछे जाने का, मैं पीछे जाऊंगा, वरुण आगे आएगा। कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? नींद होगी पूरी? नींद होगी पूरी? नींद तो नहीं हो रही पूरी है ना? नींद तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन ठीक है जो भी है। थंडर बे पहुंचने वाले, थंडर बे नहीं पहुंच रहे, अब हम सीधा लंदन जा रहे हैं। जब आप सो रहे थे तो हमने सारे के सारे प्लान चेंज कर दिए। थंडर बे पहुंचने में 350 किलोमीटर है और घर पहुंचने में ऑलमोस्ट 1900 किलोमीटर पड़ेंगे, और तो वहीं जाके सर्विस कराएंगे। अभी सर्विस की अपॉइंटमेंट ले ली है, वेंसडे की अपॉइंटमेंट मिली है भाई, वेंसडे कह रहा हूँ सॉरी ट्यूजडे की अपॉइंटमेंट मिली है। तो यार बज रहे हैं 11-21 घंटे का सफर बचा है, अभी भी 24 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं और भाई नज़ारों की वजह से ही तो मैं उठ गया, वरना यहाँ नज़ारों के अलावा है ही क्या। तो ये देखो रास्ता कितना ही मतलब ब्यूटीफुल है, साइड में आपके पेड़ हैं, रास्ता एकदम साफ, मतलब मजा ही तो है रास्ते का। फिर एक छोटा सा ब्रेक लेने का विचार बना था लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, कम से कम 2 घंटे से पावर नैप ले रहे हैं अपने भाई यार, तो अब इनको उठाते हैं आगे चलते हैं क्योंकि अब टाइम हो रहा है, थंडर बे क्रॉस करके फिर अपना लंदन की तरफ चले। तो वही है यार, काफ़ी चिल विल हो गया, अब थोड़ा सा टांगे वांगे स्ट्रेच हो गए, अब 20 घंटे और गाड़ी पर खींचनी है तो खींच देंगे, तो अब आपसे मिलते हैं रोड पर, चलिए। वैसे नज़ारे तो बहुत प्यारे हैं लेकिन कुछ स्लो पोक्स की वजह से हमें बहुत ज़्यादा धीरे चलना पड़ रहा है। वैसे ही रास्ता हमारे को कम से कम 30 घंटे से रोड पे हैं हम लोग, रास्ता इतना लंबा हो चुका है कि भाई साहब इसको बस बंद कर दो और अगले ही कट पे लंदन पहुँचा दो। लेकिन ऐसा हो जाए भाई, काश काश कम से कम ऐसा कुछ हो जाए ना कि अगर अगले ही कट पे लंदन आ जाए भाई, मैं सबसे पहले जाके नहाऊंगा। अंदर ना अजीब सा हो गया है क्योंकि हम ऑलमोस्ट ओ धन्य हो प्रभु आपका, बहुत बहुत धन्य हो, इसको थोड़ा तेज चलाओ। हाँ 90 के रोड पे भाई 70 पे चल रहा है बंदा, बताओ। और मतलब हम तो स्पीड ओवर करने की बात करते हैं, ये भाई साहब अंडर में ही चल रहे हैं, इनको टिकट मिलेगी लेस स्पीडिंग क्या अंडर द स्पीड लिमिट का? अरे इनको टिकट मिलेगी क्योंकि ये पागल है, इंपीडिंग द ट्रैफिक। देख रहे हो मतलब ऐसे वकील साथ लेके चलना चाहिए आपको, रूल सारे पता होते हैं, इंपीडिंग द ट्रैफिक। तो यार वैसे एक छोटा सा हमने ये ढूंढा है आगे आशियाना सा कि कुछ मिलेगा, एक मैकडी वैकडी कुछ कुछ खाएं यार,
सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे भूखे प्यासे चल रहे हैं लिटरली भाई। 1000 किलोमीटर के बाद एक मेकडी आया, आप लोगों को मैं बता दूं भाई, 1000 किलोमीटर के बाद मेकडी आया। तो किसी को भी लगता हो कनाडा आके मैं रोड ट्रिप करूँ और कनाडा में घूमूंगा, तो नहीं, आप GTA के आसपास ही रहे तो जिंदगी आपकी सफल है। अगर आप जैसी GTA से बाहर गए तो आपको ये दिखेगा हमने सिर्फ नेचुरल ब्यूटी। हमने इतने किलोमीटर क्रॉस कर दिए, ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर होने वाले हैं। अगर मैं UK में होता ना, यूनाइटेड किंगडम में, 4 बार UK कवर कर चुका होता 10 दिन में, और उसके बाद भी बोर नहीं होता, उसके बाद भी बोर नहीं होता। एग्जैक्टली भाई, यहाँ पे रोड बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है मान लिया, बट कितनी देख लोगे भाई। ऑन्टेरियो नहीं खत्म होने का नाम लेता, ऑन्टेरियो तो कम से कम 20 घंटे तो ऑन्टेरियो ले जाता है। 20 मान लो भाई, 20 घंटे तो बहुत कम बोलती है, 20 तो अपन को ड्रोन पर से 25 घंटे तो 25 घंटे तो पूरे पूरे ऑन्टेरियो लेता है, ऐसे रूट पे जहाँ पे फुल स्पीड पे आप चल रहे हो। एग्जैक्टली तो चलो ये डिस्कशन तो चलती रहेगी, अब हम चलते हैं थोड़ा यार बर्गर वर्गर खाएं, थोड़ा सा एनर्जाइज्ड हों, थोड़ी कॉफी वॉफी पिए और आपसे बात करें, गुफ्तगू करें और रोड को क्रॉस करते हैं। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद एक मैकडी दिखाया है हमें, यहाँ से कुछ बर्गर शर्गर लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। और भाई पायलट हमारे पास बहुत तगड़े तगड़े हैं, तो ऐसी कोई बात है नहीं यहाँ पे। नहीं, फाइनली काफ़ी जद तो जहद के बाद भाइयों ने डिसाइड करा है कि ऑस्मोस खाते हैं, मच बेटर। बर्गर खा खा के वही ना, बर्गर जैसे ही तो होते जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया मस्त चिकन चावल खाएंगे यहाँ पे, अपने आप को रीफिल करेंगे, री एनर्जाइज करेंगे और निकलेंगे जर्नी पे आगे, क्योंकि अगला स्टॉप है लंदन। तो चलो खाते हैं चावल। गाड़ी साफ करने का मौका मिल गया भाई, यहीं पर ही आए थे हम जब यहाँ से थंडर बे से जा रहे थे और अब वापसी यहीं पर ही आए हैं। एक चीज़ जो बढ़िया हुई है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बग्स हमारी गाड़ी पे ऑलरेडी हैं, वी वर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस, हम इसको खरीदने का कोशिश कर रहे थे और ये यहाँ पर किसी ने हमारे लिए रखा हुआ था, ऊपर वाले की दुआ है भाई। तो इससे पहले तो ये कर लेते हैं, सारे के सारे बग्स निकाल देते हैं और फिर इसके बाद इसको गाड़ी को करेंगे प्रॉपर वॉश। अब मस्त भाई अपना गाड़ी धोएगा, ये मार दिया बग स्प्रे इस पर फुल पावर, अब देखते हैं भाई कितना इफेक्टिव होता है, आपको दिखाते हैं इसके जस्ट बाद आफ्टर का इफेक्ट। और कितनी मस्त लग रही है ना कमेरो ग्रीन कलर में, वाह वाह। फाइनली ये है आफ्टर शॉट अपनी गाड़ी का भाई, अब जाके धुली धुलाई, थोड़ी सी साफ़ सुथरी लग रही है गाड़ी। अब यहाँ से चलते हैं लंदन की तरफ, यहाँ से लंदन मेरे हिसाब से 1500-1550 किलोमीटर की ड्राइव है, तो भाई 16 या 18 घंटे लगेंगे। तो अब चलते हैं, आपसे मिलते हैं रोड पर। जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी जिसमें हमने 32 घंटे ड्राइव करा था, वो हमने करा था थंडर बे से लेकर ऑल द वे टू कैलगरी। अभी की जो हमारी ड्राइव चल रही है वो है कैलगरी से हम थंडर बे आ चुके हैं और अभी भी भाई लड़के रुके नहीं है, अभी भी और आगे जा रहे हैं। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे लंदन, जो कि टोरंटो से 1.5 घंटा दूर हमारे को पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली। ये तो सडबरी का एड्रेस है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जिम है, तो जिम हमारे को पड़ेगा 1000 किलोमीटर के करीब। वहाँ जाके थोड़ा बहुत देखेंगे, अगर जिम खुला होगा ना उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि शावर वगैरह ले लूँ, क्योंकि हमारा ऑल ओवर द कैनेडा जिम फ्री है, मतलब एक ही मेंबरशिप है तो ऑल ओवर द कैनेडा है। जैसे अपनी गुड वो इंडिया में कौन सी होती है, गोल्ड जिम, हाँ तो वैसा ही कुछ है हमारा भी यहाँ पर भी। 1000 किलोमीटर और ड्राइव करेंगे, राहुल भाई अब सोने गए हैं भाई, तो मेरे को अब ड्राइविंग की दारोबार मिली है, थंडर बे है, इसको करते हैं अलविदा और फिर अगली बार जब थंडर बे आएंगे तब यहाँ पे आराम से घूमेंगे, बैठेंगे, आप लोगों से मिलेंगे।
तो गाड़ी में तेल तो ऑलरेडी है बट आगे का कुछ पता नहीं है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा सेफली चलना पड़ता है। कीड़े तो हट गए बट फिर भी गाड़ी अभी भी गंदी है, तो तेल भरवा लेते हैं यहाँ से, ज़्यादा डलेगा नहीं मेरे ख्याल। 1.25 अपना बचा हुआ है, 191 सेंट्स का है यहाँ पर तेल, $1.90, मतलब ऑलमोस्ट $2 का है जो अपना प्रीमियम डलेगा, 91 ऑक्टेन। प्रीपे करना है यहाँ पर, तो प्रीपे करने के लिए भाई यहाँ पर ये मशीन आ जाती है, मशीन बता देती है कि क्या क्या करना है, यहाँ नीचे अपना पिन पैड डालो, सारी चीज़ करो। अब जैसे यहाँ पर ये आ गया कि कितने कितने का लेना है, तो अपन डलवाएंगे $60 का डलवा लेते हैं, इससे कम में ही आएगा। और यहाँ पे तेल देखो, यहाँ शुरू हो गया तेल डलना, खुद करना। सो दोस्तों, कहीं मिडल ऑफ नोवेयर हैं और वही वाली कहावत सच होगी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो स्टारलिंक का इशू जो था वो सॉल्व तो हमने कर दिया, लेकिन हमारे महान भाई साहब ने क्या करा, थोड़ा बहुत जो हमारा पॉइंट एक वर्किंग था वो भी फूंक दिया, क्योंकि भाई ज़्यादा वोल्टेज वाले में अगर आप अपना स्टारलिंक कनेक्ट करते हो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद भाई हवा भी कम हो रखी है एक टायर में, पता नहीं आज का दिन तो थोड़ा सा ऐसा ऊंचा नीचा सा ही जा रहा है। तो अब देखो भाई, भाग भाग के लौंडे काम तो कर रहे हैं फुल पावर स्पीड में, ना सिग्नल है ना कुछ है, और सोए साए हम है नहीं। तो चलो कोई नहीं, स्टारलिंक कनेक्ट करते हैं, इसके बाद फिर टायर टूयर में हवा भरते हैं, फिर चलते हैं यार आगे, थोड़ा सिग्नल विग्नल आए, थोड़े से नेटवेट का नज़ारे लें, कुछ तो इन्जॉयमेंट हो लाइफ में, वरना दो दिन से गाड़ी चली रही है दाएं दाएं। हाँ जी, कुछ बात बनी? तो यार यहाँ पर हमारे पास सामान तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे पूरे कुंडबे का सामान लेके चलते हैं, इसलिए एक लंदन डीटूर मारना पड़ेगा, और मच्छर इतने ज़्यादा हैं कि परेशान हो गया हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। और स्टारलिंक फाइनली वर्किंग, अब लंदन की तरफ मुड़ेंगे। और ये थोड़ा सामान है यार फालतू अपना, ये सारा ये मोटो मास्टर का अपना क्या, ये हवा भरने वाला, और अपना ये भाई ये इसकी शादी की अटैची जो आई थी वो लेकर जाना है, और यार एक अपनी राइफल है ये, और अपना थोड़ा बहुत सामान है, ये सब वापस देकर आएंगे लंदन, ताकि आराम से निकले हेलीफैक्स की तरफ। तो चलो, हाँ यार सर, भाई फर्स्ट लेग ऑलमोस्ट कंप्लीट, हमारी ट्रिप के जो पहले 10,000 किलोमीटर है वो कंप्लीट होने वाले हैं, एंड टोटल गाड़ी चल गई है भाई 91,592 किलोमीटर्स। यहाँ से कुल मिला के 1,000 किलोमीटर का और हमारा सफर बचा है लंदन का, और फिर वहाँ से 2,000 किलोमीटर का सफर होगा हेलीफैक्स का। हेलीफैक्स पहुँचने के बाद गाड़ी को डालेंगे सीधा कार्गो शिप के अंदर, और फिर ये जाएगी यूके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज हो गई है July 9 एंड हमारे सिर्फ 300 किलोमीटर रह गए हैं। अब भाई अब तो मैं ट्रैक रखना भूल गया कि कौन कब चला रहा है, बस चलाए जा रहे हैं। कुल मिला के 2 दिन हो गए, परसों निकले थे भाई कैलगरी से सुबह सुबह 10:30 बजे इस गाड़ी को लेके, नॉन स्टॉप कैलगरी से सीधा हम ऑन्टेरियो पेरी साउंड आ गए हैं। अब यहाँ से 300 किलोमीटर और चलानी है, फिर मिलेगा भाई हमारे को हमारा बिस्तर, और हम मारेंगे बढ़िया सी नींद। हाँ तो फाइनल ड्राइवर स्विच कर रहे हैं भाई, OG Duo फिर से वापस, बढ़िया गाने सुनते हुए पहुँचेंगे 3 घंटे में लंदन। लंदन में जाके करेंगे रेस्ट, गाड़ी धुलाएंगे कल सर्विस। अब सिर्फ सोया जाएगा भाई। आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन भी है, उससे शाम को मिलेंगे, एंड दैट्स इट। अब मिलते हैं आपसे रोड पर, चलो भाई बैठो सारे के सारे। फाइनली लंदन आ चुके हैं यार, इतनी ज़्यादा खुशी कभी, मतलब घर वापस आने की कभी भी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। ऑलमोस्ट 51 आवर्स की कॉन्टीन्यूस ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल, और ड्राइवर साहब वाट लग गई, अभी तो 3 महीने और है। सही है। तो भाई ये अपना लंदन शहर है, ये मतलब आउटस्कर्ट्स की तरफ अभी हम घूम रहे हैं, क्योंकि अपना घर बिल्कुल कोने में जाकर है, तो अभी हम इस कोने में हैं, इसके बाद दूसरे कोने में जाएंगे, तो बाहर बाहर से निकलेंगे, सिटी थोड़ी सी आएगी तो वो आपको दिखा देंगे। भाई अपना कॉलेज फैंशो कॉलेज लंदन ऑन्टेरियो, यहीं से हम तीनों ही यहीं से पास आउट हुआ है, और बहुत ही बड़ा कॉलेज है भाई, 110 एकड़ के करीब का कॉलेज है, मतलब अभी चलता ही जाएगा और चलता ही तो चला जाएगा।
और ये वाला टिम हॉर्टन है बहुत ही खास मेरे दिल के पास, यहाँ मैंने पहली बार आके कॉफ़ी पी थी अपनी लंदन की, बहुत बढ़िया। भाई तेरे को वो याद है भागम भाग का गोविंदा, इतनी खुशी तो इतनी खुशी हो रही है मेरे को घर पहुँच के फाइनली। ज़्यादा खुशी मतलब एक दिन के लिए आया है। अरे कम से कम एक दिन तो सोएंगे आराम से यार, चैन से, मतलब चैन से ही सो रहे हैं। बस वही है कि ये वाली जो लॉन्ग ड्राइव होगी ये मस्त वाली होगी, बस लॉन्ग घर ड्राइव हो गई। लॉन्ग तो हम कर लेते हैं, लॉन्ग घर ड्राइव हो गई ये भी बात है, लॉन्ग घर होगी भाई काफी ज्यादा। होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, फाइनली भाई घर आ गया है। ओ घड़ी रेस कार भाई की बूटी भाई, फाइनली 51 आवर्स की ड्राइव करके और 4,500 किलोमीटर के अराउंड ड्राइव करके अपन आ चुके हैं। और भाई मतलब हाँ ठीक है, रूसे राई वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, इट वाज डिफिकल्ट। क्यों जी, मजा आ गया। और अब भाई गाड़ी वाड़ी धुलाएंगे, सर्विस वर्विस कराएंगे, थोड़ा सामान उतारना है यार, बहुत ज्यादा अननेसेसरी सामान है हमारे पास। और भाई कह रहे हैं कि इसके बाद हम थोड़ा सा वॉक पे भी चलेंगे, पता नहीं इनको क्या अपने लंदन में वॉक करने का मन कर रहा है। भाई थोड़ी सी टांगे खोल लेते हैं यार, मतलब लिटरली उधर यहाँ से लेकर ना नीचे तक पैर सुन्नी तो हो गया है। ओहो तो भाई अपने आसपास माहौल एक नंबर है, वही वाली बात है, कहीं बारिश हो ना हो लंदन में जरूर होगी। तो ठीक है भाई, अब इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अब आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन सी यू।